गोपालगंज जिले के उचक्का गांव प्रखंड के बलेसरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय की कुव्यवस्था के खिलाफ एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। छात्रों की ओर से किए गए भूख हड़ताल की वजह से स्कूल की पढ़ाई भी बाधित हुई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे BDO मनोज कुमार पंडित ने आक्रोशित छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। भूख हड़ताल में शामिल आक्रोशित छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है, साथ ही कहा कि मेन्यू के अनुसार भोजन भी नहीं मिल रहा, छात्रों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं में भी कटौती की गई है। करीब 16 घंटे तक आंदोलन पर रहने के बाद BDO ने छात्रों को समझाया, समस्याओं का निदान कराने का भरोसा भी दिया। इसके बाद छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य BK सिंह ने कहा कि जल्द ही बच्चों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, पंखा की समस्या और पानी की समस्या भी जल्द ही दूर कर दी जाएंगी, भविष्य में बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और कहीं कोई परेशानी नहीं, बच्चे अपने यहाँ से धरना स्थल से अपने अपने स्वप्न में चले गए हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान वैसे भी चल रहा है और इसमें और भी थोड़ी सी तेजी लाई जाएगी। कुछ बातें आवश्यक हैं जैसे पंखे की समस्या है, गर्मी का दिन है और ये काम पहले से चल रहा है लेकिन उसमें समय लगता है बनने में और हमारी परिस्थितियाँ हैं कि हम ताकि वो पंखा नया पंखा क्रय भी कर सकें। और अन्य जो इनकी समस्याएं हैं वो जो हमारी हमारे बजट का प्रावधान है उसके हिसाब से जो भी किया जाता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है और उसको हम लोग हर तरह से देखेंगे कि उसमें कहीं कोई कमी न रहे। बता दें कि नवोदय स्कूल में सभी तरह की सुविधा निःशुल्क है, इसके लिए छात्रों को किसी भी प्रकार के शुल्क जमा नहीं करना होता है, लेकिन हाल के दिनों में छात्रों से कई तरह की सुविधा छीन ली गई है। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में छात्रों को बगैर पंखे के रहना पड़ रहा है। छात्र लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे लेकिन प्रबंधन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। छात्रों ने कई बार चेतावनी भी दी लेकिन प्रबंधन इसे नजरअंदाज करता रहा, जिसके बाद आज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। गोपालगंज से बोलता बिहार की रिपोर्ट। जिलों से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें बोलता बिहार के साथ। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।